नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवा नियो वर्सेस रियलमी नाजो 50 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवा नियो में 6.74 इंच जबकि नाजो 50 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवा नियो से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवा नियो में 3.04 इंच जबकि नाजो 50 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवा नियो से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवा नियो में 0.36 इंच जबकि नाजो 50 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवा नियो में 212 ग्राम जबकि नाजो 50 में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो पोवा नियो में 20:5:9 जबकि नाजो 50 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवा नियो में 6.8 इंचेस जबकि नाजो 50 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवा नियो में 720x1640 और नाजो 50 में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवा नियो में 83.16% जबकि नाजो 50 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवा नियो में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नाजो 50 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवा नियो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और नाजो 50 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवा नियो में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नाजो 50 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवा नियो में पावर GE8320 जबकि नाजो 50 में माली G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवा नियो में मीडियाटेक हीलियो G25 और नाजो 50 में मीडियाटेक हीलियो G96 मिलता है। बात करें रैम की तो पोवा नियो में 6 GB की रैम मिलती है जबकि नाजो 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवा नियो में 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नाजो 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवा नियो में अप टू 512 GB जबकि नाजो 50 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवा नियो में 6000 mAh जबकि नाजो 50 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोवा नियो में 3 कलर्स जबकि नाजो 50 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवा नियो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,780 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 50 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नोपोवर नियो में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 50 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नाजो 50 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नाजो 50 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, दूसरा रियलमी 7 है, तीसरा रियलमी 7 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08 आई है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।